विश्व के अलग अलग देशों में रुके हुए भारतीय लोगों को अपने वतन वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। 7 मई से उन्हें वापस लाया जाएगा। इसके लिए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। लालवानी ने कहा कि इंदौर से बाहर आने और जाने के लिए भी सरकार योजना बना रही है। बहुत दिनों से लॉकडाउन के कारण बहुत सारे भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि आने वाली 7 तारीख से क्रमबद्ध तरीके से इनको भारत लाया जाएगा। मैं उन सभी भारतीयों से निवेदन करूंगा कि अपने वहां पर जो हमारी एम्बेसी है, हाई कमिश्नर है, उनसे संपर्क करें। और ये भी निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेशों से तो केंद्र सरकार लाने का प्रयास कर ही रही है, पर इसके साथ साथ ही मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे मजदूर हमारे यहां पर हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र छात्र भी हैं जो इंदौर में कोचिंग के लिए आए थे या कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए थे, वो भी घर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी, या जो हमारे छात्र बाहर हैं वो इंदौर आना चाहते हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार योजना बना रही है। शीघ्र ही उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाए। आप धैर्य रखिए, स्वयं रखिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।